हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं आया हूं द्वारका सेक्टर 10 के दशहरा मेले में अपने तीन दोस्तों के साथ, जिनको आप देख पा रहे हैं। ये हैं अमित, आकाश और मनीष। और अभी हम तीनों मंदिर ये मेले के बाहर ही थे और हम बाहर से देख रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था, तो हमने जल्दी जल्दी में कहा चलो अब अंदर चलते हैं। और जैसे ही हम अंदर गए, सबसे पहले हमने वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल में से देखा गेम का वो स्टॉल, जिसके बिना लगभग भारत का हर मेला अधूरा है। और ऐसे गेम्स आपको भारत के हर मेले में देखने को मिलेंगे। अब इन गेम्स को देखते ही भाई हमारा अमित भाई हो गया एक्साइटेड और वो बोला ये खेलते हैं वो खेलते हैं। लेकिन हमने उसको समझाया कि इन फालतू की चीज़ों में पैसा बर्बाद मत कर। लेकिन वो कहते हैं ना कि गधे को कितना भी समझा लो वो घोड़ा तो बनेगा नहीं, तो वही वाली बात थी। और अमित भाई ये लक्की ड्रॉ वाले में आके फंस ही गए और उन्होंने मन बना लिया कि भाई अब ये वाला गेम मैं खेलूंगा, इस पे खेलने पे गिफ्ट जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 100 रुपये लगा के अमित भाई ने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो जीत के लेके ही जाऊंगा। और भाई को क्या था, भाई ने तो बस फिर इधर देखा ना उधर और फटाफट देखो अभी अपनी जेब से निकाले पैसे, 100 का नोट। 100 का क्या, ये तो 200 का नोट निकाल के दे रहा है। और 200 का नोट दिया भाई को और फटाफट देखो अब शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसके बाद इसका रिएक्शन देखो जब इसका कटा, ये कट गया अमित भाई का, कट गया। 100 रुपए गए, कट गया मेरा 100 रुपए। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है, अब आंसू आ रहे हैं मेरे। अब कटने के बाद अमित भाई को जब रोना आया तो हम उसको चुप कराने के लिए ले गए खाने पीने के स्टॉल पे। और यहाँ पे कितनी मस्त चीज़ें खाने को मिल रही हैं वो देखो आप इस छोटे से, मैंने सबकी वीडियो बनाई है। हाँ तो गाइज, इतनी मस्त चीज़ों में से हमने भी थोड़ी सी चीज़ें खाई और फिर इन सब चीज़ों को पचाने के लिए हमने लिया ये माउंटेन ड्यू वाली बोतल में मिल रहा दूध, और इसको पीने के बाद बहुत मज़ा ही आ गया। ये बादाम शेक था। और फिर हम पहुँच गए सबसे एक्साइटेड पार्ट, जो झूले का है। जब मेरी तमन्ना पूरी कि भाई झूले, झूले के बिना तो मेला अधूरा है, तो हम पहुँचे सीधा झूले पे। और फिर हमने मतलब ये देख ही रहे हो आप झूले में बैठते हुए। अब आपने मुझे वीडियो में देखा होगा, अब तक आपने देखा ही नहीं होगा क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा था मेरे को। और अब जैसे ही मैं झूले पे बैठ गया तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल देखो अब तुम, कितना मज़ा आया है मेरे को। और अब देखो तुम मेले के जो हमने ऊपर से बैठ के नज़ारे कैप्चर किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और इनको देख के आप मज़े ले सकते हो पूरे पूरे। ऐसे ही भाई हम फिर एक बार हम झूले पे बैठ गए, फिर तो हमें चस्का लग गया। फिर हमने लगभग वहाँ पे सब झूले ट्राई किए। और अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो इस मेले का सबसे खतरनाक झूला था, ये वाला। और इस पे बैठ के भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा उल्टा पुल्टा हो जा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे इस वाले झूले पे। और यहाँ पे सबसे मस्त बात बताऊँ दोस्तों, तो हमने हर झूले वाले से कंसेशन करवाया, बार्गेनिंग करी कि भैया अब तो 2 दिन का टाइम बचा है, कुछ कम वम लगा के बैठा लो, खाली भी तो चला रहे हो। और ऐसे पटा पटा के हमने मतलब जो 200 की टिकट थी उसको 100 में करवाया, किसी को 150 में करवाया, किसी को 50 में करवाया। और ये सब ख़त्म करने के बाद जब हम लास्ट में जो मेन होता है दशहरे का कि रामलीला चलती है, हम उस पंडाल में पहुँचे, वहाँ हमने खाली कुर्सियाँ देखी। मतलब लोग भी ज़्यादातर एक्साइटेड थे चीज़ों को, झूलों वूलों में, खाने पीने में, लेकिन रामलीला देखने के लिए भी लोग आए थे और आगे की चेयर्स पे बहुत सारे लोग भी बैठे थे। हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठा और फिर हम भी थोड़ी देर रामलीला देखने के बाद निकल लिए। तो इस तरह से हमने पूरा दिन एंजॉय किया। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, और सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाना यार, ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी।